नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। खबर मैनपुरी से है, जहां खाद के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। क्षेत्र के किसानों को डीएपी खाद के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। सुबह से ही लंबी लाइनों में खड़े होकर किसान खाद लेने के लिए पहुंच जाते हैं। बेवर कस्बा में रामलीला के सामने कृषक सेवा केंद्र, बिजली घर के सामने इफको बाजार केंद्र है। किसानों को एक आधार कार्ड पर 5 बोरी डीएपी मिल पा रहा है। कृषि सेवा केंद्र के सचिव आलोक यादव ने बताया कि एक एकड़ में मात्र एक बोरी की जरूरत होती है, लेकिन अधिक उत्पादन लेने के चक्कर में किसान ज्यादा डीएपी का प्रयोग करते हैं। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी विजय गौतम सभी किसानों को समझा कर कहा कि सभी को खाद की बोरी उपलब्ध की जाएगी। कांग्रेस पार्टी में चल रही उथल पुथल अब भी थमने का नाम नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज मलिक और उनके पिता हरेंद्र मलिक, जो पूर्व सांसद और प्रियंका गांधी वाड्रा के सलाहकार समिति के सदस्य है, उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पंकज मलिक ललितेश पति त्रिपाठी के बाद पार्टी छोड़ने के बाद वे दूसरे उपाध्यक्ष है। पंकज मलिक एक पूर्व विधायक भी हैं। उन्होंने मीडिया को एक पत्र भी जारी किया है, जो उन्होंने राज्य कांग्रेस अध्यक्ष को भेज दिया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। मुजफ्फरनगर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक ने भी पार्टी छोड़ने को अपने फैसले की घोषणा की है। और क्या कुछ कहा है पूर्व के कांग्रेस नेता ने, आइए जानते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में काम कर रहा था अब तक। आज विषम परिस्थितियों में अपरिहार्य कारणों से मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता, एआईसीसी मेंबरशिप, आदरणीय प्रियंका जी के सलाहकार सदस्य के रूप में, चुनाव अभियान समिति के सदस्य के रूप में और चुनाव समिति के सदस्य के रूप में जो जिम्मेदारी मेरे पास थी, उन सब से अपना त्यागपत्र आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षा जी को भेजा है। इस अनुरोध के साथ के मुझे तात्कालिक प्रभाव से इन जिम्मेदारियों से मुक्त करें। और सीतापुर में तेज हवाओं के साथ दो दिनों से हो रही लगातार बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। गन्ना, धान, सब्जी सहित खरीफ की अन्य फसलों को काफी नुकसान हुआ है। ज्यादातर किसानों का धान अभी खेतों में ही लगा है, लेकिन इस बारिश ने धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। यहाँ के किसानों की माने तो अक्टूबर के पहले हफ्ते में हुई बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। गन्ना धान की फसलें खेतों में गिर गई थी और किसान उस सदमे में अभी तक उबर नहीं पाए थे। तब तक इंद्रदेव ने किसानों पर फिर से अपना कहर बरमाना शुरू कर दिया। वहीं जल अधिकारी विशाल भारद्वाज ने जिले में हो रही भारी बारिश को लेकर अलर्ट करते हुए नदियों के बढ़ते जल स्तर को रोकने और बाढ़ राहत कार्यों की समुचित व्यवस्था करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीतापुर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते गर्भवती महिला ने अस्पताल के बाहरी फर्श पर बच्चे को जन्म दिया। परिवार की ओर है कि वहां पर कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं था, जिसके चलते अस्पताल के गेट पर ही महिला तड़पती रही और गेट पर ही मोबाइल की रोशनी में डिलीवरी कराई गई। महिला के पति ने आरोप लगाया है कि वहां की नर्स ने 600 रुपए भी लिए, इसके बाद कोई सुविधा भी नहीं मिली। लखनऊ में इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 2 का प्रीमियर 16 अक्टूबर को हो चुका है और यह हर शनिवार और रविवार को रात 8 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित होगा। इंडियाज बेस्ट डांसर के पहले सीजन की जबरदस्त सफलता के बाद इस चैनल ने 16 अक्टूबर को इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 2 शुरू किया है। नया सीजन न सिर्फ अपने स्तर और मनोरंजन में पहले कहीं ज्यादा बड़ा है, बल्कि कुछ बेहतरीन और बेमिसाल टैलेंट भी प्रस्तुत कर रहा है। मैनपुरी में संचारी रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका नाम विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान दिया गया है। इस अभियान को उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। मौके पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री का जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह और एसपी अशोक कुमार राय ने फूल देकर उनका स्वागत किया। वहीं इस मौके पर जिला प्रशासन सहित स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लोगों को जागरूक करने और क्षेत्र में जागरूकता लाने के लिए आज इस विशेष अभियान की शुरुआत की गई है।
जनमानस को जागरूक करना इसकी प्राथमिकता है। बीमारी बरसात के बाद हर साल ही बढ़ती है, इस बार भी बढ़ रही है। डेंगू है, कहीं वायरल है, कहीं टाइफाइड है, बहुत लोग उससे पीड़ित हैं। उससे लोग जागरूक हों, इलाज कराएं, स्वस्थ हों, ये सरकार की चिंता है। शाहजहांपुर में बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। मौसम के करवट बदलने से किसानों का दर्द दोगुना हो गया है। बेमौसम बारिश से किसानों ने फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है और इससे उनको काफी भारी नुकसान हुआ है। इस बात के जिले के किसान मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। इस बेमौसम बारिश ने धान की खेती के साथ साथ पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। दो दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने किसान की चिंताएं बढ़ा दी हैं। साथ ही किसान पूरी तरह से त्राही त्राही करने लगा है। किसानों ने सोचा था कि इस बार अच्छी फसल लगी है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां बेमौसम बरसात ने किसानों की मुसीबत बन गई है और उनके जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जहां पर किसानों ने पूरी तरह से त्राही त्राही करने लगा है। दो दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने किसान की चिंताएं बढ़ा दी हैं और उनके जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। जिले के किसान मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं और उनकी पूरी फसल चौपट हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में बस इतना ही और तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।